प्रश्न प्राय आता है कि कहानी में सच्चाई कितनी है बहुत संक्षेप में ज्ञान मार्ग की साधना में आत्मतत्व पर अधिक जोर दिया जाता है आत्मतत्व यानी विशुद्ध चैतन्य या विशुद्ध चैतन्य क्या है <laughs> जब आप ध्यान करेंगे तब आपको समझ में आएगा मैं आपको कितना भी समझाने का प्रयास करूं आपको नहीं समझ में आएगा साधना करते करते साधना करते करते आत्मा की कृपा से लोग जान जाते हैं कि क्या है चैतन्य क्या है दूसरा होता है जो अधिक आसान है इसे कहते हैं भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग में एक इष्ट को चुन लिया जाता है जो गुरु ही बतलाते हैं फिर उस इष्ट को गुरु ने जहां पर बतला दिया है साधारणतः हृदय में ध्यान करते हैं जिसे मान लीजिए कोई मां काली का ध्यान करते हैं तो उनको मां काली का मंत्र मिला हुआ है तब आसन पर बैठिए आसन पर बैठकर मनी मन पूजा कीजिए अपने इष्ट की यानी मां काली की हो सके तो पहले बाह्य पूजा जो परंपरागत रूप में हमारे पास आई है और आपने सीखा होगा उसे करें उसके बाद जप किया जाता है और जब जब होता है जो साधना करें मैं साधारणता जो 108 बार करते हैं या 1000 करते हैं मैं उनके बारे में, बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं साधना वालों के बारे में बात कर रहा हूं जो कम से कम दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार इस संख्या में जब करते हैं और करने के बाद उसी आसन पर बैठकर अपने इष्ट का ध्यान करते हैं ईस्ट चाहे आप श्री रामचंद्र हो शिव हो कृष्ण हो शक्ति हो जो भी हो वर्षों किया जाता है योगशास्त्र में कहते हैं सतु दीर्घ निरंतर दीर्घ काल तक निरंतर किए जा रहे सत्कारा से भी तो श्रद्धा के साथ कर रहे तब जाकर के दृढ़ भूमि बनती है यानी आपको सिद्धि नहीं मिलेगी केवल दृढ़ भूमि यानी अब आप सही सही साधना के लिए तैयार हैं यानी आपकी रुचि जग गई साधना में और तब सही सही ध्यान शुरू होता है भक्ति मार्ग में जब साधना करते साधना करते 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 मन रम जाता है और मन जब रमता है वह जागृत अवस्था की जो दुनिया है जिस दुनिया में हम लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं बोल रहे हैं या स्वप्न की दुनिया या कल्पना की दुनिया इन सब से पार चले जाते हैं और खुल जाता है एक नया जगत इस जगत को कहते हैं भाव जगत भाव जगत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यह भाव जगत हम लोगों ने इसकी चर्चा पहले भी की है आगे भी करेंगे क्योंकि एक बार अगर आप समझ जाए यह भाव जगत क्या है तो आपको रामायण महाभारत पुराण इन ग्रंथों को आपको समझने में बहुत सुविधा होगी यानी यह या जो वाल्मीकि जी का रामायण है तुलसीदास जी का रामायण है यह या या जो पार्थिव जगत है भौतिक जगत है इसकी रचना नहीं है स्वप्न जगत इसकी भी रचना नहीं है कल्पना जगत जैसे कवि लोग करते हैं वाल्मीकि जी तुलसीदास जी सूरदास जी मीराबाई ये लोग कवि नहीं है हम लोग पाठ्य में अवश्य पढ़ते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ा है मतलब पढ़े लेकिन है? इनकी जो रचनाएं हैं मैया मोरी मई नहीं माखन खायो जो कविता नहीं है यह भाव जगत है यह अलग है जब तक आपने साधना नहीं की है और भाव जगत में आपने प्रवेश नहीं किया है आपको नहीं समझ में आएगी अंधे अंधे को रंगीनी का वर्णन जिस तरह से किया जाता है या उसी तरह से बात हो जाती है और भाव जगत इस तरह के जो भक्त होते हैं उनके लिए यह बहुत 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 अधिक सत्य होता है इस पार्थिव जगत इस भौतिक जगत की तुलना में उदाहरण में आपको बतलाता हूं नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जब साधना करना चाह रहे थे ईश्वर दर्शन के बारे में हर प्रसिद्ध साधक को पूछ रहे थे और पूछते पहुंचते श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचे और श्री राम किस देव से पूछते हैं महाशय कि आपने ईश्वर देखा है श्री राम किस देव कहते हैं हाँ देखा है बिल्कुल जैसे तुमको मैं देख रहा हूं इससे भी अधिक स्पष्ट बहुत महत्वपूर्ण वाक्य ही है इससे भी अधिक स्पष्ट रूप से उसके बोलते तुम्हें भी दिखला सकता हूं क्योंकि जितने सारे लोग श्री रामकृष्ण देव के पास आते थे स्वामी विवेकानंद थे एक जिनमें वह आधार था हम और आप अगर जाएंगे बोलेंगे हाँ ईश्वर है क्यों नहीं हाँ देखा है मैं खत्म हो गया इसके आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि शिष्य अगर अनुकूल नहीं हो गुरु अपना मुंह बंद कर लेता है जब तक आपका मन तैयार नहीं हो जाता है गुरु के शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसीलिए गुरु चुप रहते हैं और आधार बनता है साधना के माध्यम से तपस्या के माध्यम से अब भाव जगत में जब घुस जाते हैं ये साधक जो काफी हद तक सिद्ध पुरुष जिन्हें कह सकते हैं लेकिन क्या है ये जो सिद्ध है इनके स्तर होते हैं हम लोग अभी वर्तमान में साधक ही बोल रहे हैं इनके लिए भाव जगत बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है सत्य होता है तो वो क्या कल्पना नहीं है आप इस बात को बार बार सुने अच्छी तरह से समझें भाव जगत क्या होता है या भौतिक जगत नहीं है हम लोग के साथ समस्या है कि हमारी दृष्टि जिस तरह से है हमारी मानसिकता जो है हमें लगता है कि यह जो जगत है यही सत्य है लोग पूछते हैं क्या धर्म वैज्ञानिक है अरे तो छोटे से जगत के बारे में बात कर रहे हो जब आप स्वप्न में रहते हैं आपको स्वप्न ही सत्य नजर आता है और उस स्व स्वप्न में भी यह जो जगत है यह जो भौतिक जगत है यहां से चीजें वहां कुछ कुछ जाती हैं, जहां से एक संसार बनता है कल्पना की दुनिया में जो रहते हैं वे उस संसार को स्वयं तैयार करते हैं उसमें भी इस यह जो पार्थिव जगत है भौतिक जगत है यहां से कुछ कुछ चाहे जाते हैं वहां से कल्पना बनती है, लेकिन भाव जगत यह नहीं है भाव जगत है जब आप सोचेंगे कि कैसे वेद के ऋषि गणों ने जो वेद वेद के ऋषि गण थे कैसे उन्होंने सत्य को देखा था ईश्वर को देखा था ईश्वर मने देवी देवता का दर्शन नहीं ईश्वर मने सच्चिदानंद ईश्वर मने जो अनंत है जिन्होंने अनंत का साक्षात किया था और अनंत का साक्षात तभी होता है जब आप अनंत के साथ मिलकर के एक हो जाते हैं कबीरदास जी बहुत सुंदर होते ना लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल आपको लाल हो जाना पड़ेगा आपको अनंत बनना पड़ेगा जब तक आप अनंत नहीं बन जाते हैं तब तक आप अनंत को नहीं जान सकते हैं और अगर आप अनंत को जान गए आपकी पूजा तो घर घर होगी ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ेगा और यह पूजा हजारों साल चलेगी अनंत जहां पर आकर मन के जगत से मिलता है ईश्वर जो ईश्वर का जगत है यह जब मन के जगत से आकर मिलता है तब बनता है यह भाव जगत और कोई भी दो भाव जगत हमेशा अलग होगा यानी श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं श्री कृष्ण की भक्ति सूरदास ने भी की और श्री कृष्ण की भक्ति रसखान ने भी की श्री कृष्ण की भक्ति मीराबाई ने भी की श्री कृष्ण अनंत है श्री कृष्ण भगवान है अनंत है और इस अनंत में जब हम अपने मन को लेकर प्रवेश करते हैं आप कल्पना करें जहां कृष्ण रूपी अनंत महासमुद्र और उसमें प्रवेश कर रहे हैं आप अपनी नौका को लेकर यानी आप अपने मन को लेकर आप टटोल कर देख रहे हैं यह अनंत कैसा है यह आपका भाव जगत है कोई भी दो कोई भी दो साधक समान वस्तु को नहीं देख सकते नहीं देख सकते हैं अगर देख रहे हैं जान जाइए कुछ गड़बड़ी है जैसे मैं मैंने भाव जगत में प्रवेश नहीं किया है मैं कहां से कुछ बताऊं आपको मैं ग्रंथों की व्याख्या कर सकता हूं आपके सामने वाल्मीकि जी ने ऐसा कहा है श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा कहा है स्वामी विवेकानंद ने ऐसा क्योंकि मैंने प्रवेश नहीं किया है प्रवेश करना इतना आसान नहीं होता है प्रेम गली अति सा में दोनों समाई मैं में है प्रेम गली में नहीं घुस सकते मुझमें माईपन भरा हुआ है इतना आसान नहीं है वो लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है लेकिन प्रेम गली में घुसना ईश्वर के प्रेम गली में घुसना इतना आसान नहीं होता है जब ये एक बार उस संक्री गली से घुस करके जब पहुंच जाते हैं उसमें भाव जगत में और फिर बस रह जाते हैं ये साधक यह साधक वह अनंत अनंत का अर्थ होता है अनंत गंगा में अगर आप नाव लेकर के चलेंगे तो दो व्यक्ति एक ही चीज को देखेंगे अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो आपको कानपुर मिलेगा आपको काशी नगरी मिलेगी आपको पटना शहर मिलेगा तो भाव जगत ऐसे नहीं होता है अनंत अनंत का अर्थ है अनंत कोई भी दो दृश्य कभी समान नहीं होगा क्योंकि वह मन से परिचालित है दो व्यक्ति का मन समान नहीं होता है इसीलिए भाव जगत हमेशा अलग होगा इसलिए वाल्मीकि रामायण बिल्कुल अलग होगा तुलसीदास जी के रामचरित मानस से और कल को अगर कोई बहुत बड़ा साधक इस तरह से रचना करता है तो उनका रामायण बिल्कुल अलग होगा जैसे अध्यात्म रामायण है अध्यात्म रामायण भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के यूट्यूब प्ले में वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण रामचरित सब अलग रचनाएं हैं बेवकूफ लोग विशेष करके दूसरे धर्मों से आकर पूछते अरे क्या भाई तुम्हारी कहानी में समानता नहीं कहानी में कैसे समानता होगी कहानी में समानता नहीं है यही प्रमाण है सत्य का यह ग्रंथ सत्य है इसका प्रमाण यह है कि ये दोनों एक ही चीज नहीं कह रहे अगर एक ही चीज करें एक दूसरे से चोरी कर रहे हैं आशा करता हूं कि मेरी बातें स्पष्ट है